हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आज से दो दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को बारिश ओलावृष्टि के आसार हैं। विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर फिर से येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 और 4 अप्रैल को बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई व निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की भी संभावना जाहिर की है। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इस विक्षोभ की वजह से 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। वहीं बेमौसम हो रही बारिश की वजह से किसान बागवान भी खासे परेशान हैं। जनवरी फरवरी में प्रदेश भर में कुछ एक इलाकों को छोड़कर नाम मात्र की बर्फबारी और बारिश हुई। अब अप्रैल का महीना शुरू होने के बावजूद प्रदेश में बर्फबारी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही ओलावृष्टि की वजह से सेब बागवानों की साल भर की मेहनत पर खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, निचले हिमाचल के किसान भी ओलावृष्टि की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। प्रदेश में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।